जी, शुक्रिया आपके आने का। अच्छा भाई, दो टाइप के ट्रैवर्सल होती हैं, ग्राफ में, ग्राफ कह दो या आई डोंट नो किस में। तो एक होती है डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल, एक होती है ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल। डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सल में जो है वो क्या होता है, डेप्थ यानी कि हम बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं। वही पढ़ाते हुए बीच में चैट ना भेजा करिए प्लीज। अच्छा हम जो है वो बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं, सही है। हमारे पास जो है वो कुछ नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, कुछ नोड्स होते हैं, कुछ वर्टिसेस होते हैं, कुछ नोड्स होते हैं। उनमें से किसी एक वर्टिस को जो है हम एक रूट नोड बना लेते हैं। रूट नोड यानी स्टार्टिंग पॉइंट, कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर करते करते जो है हम ट्रेवर्सलिंग करेंगे, ठीक है। कोई सा भी वर्टेक्स को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक स्टार्टिंग लिया है, कलर चेंज कर लूंगा, ब्लू ले लेते हैं, सही है। ये इन्होंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करिए डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग, ठीक है। ये सबसे पहले जो है वो ये सीधा ऊपर आ गए, ठीक है, विजिट कर लिया ये वाला एरिया। अच्छा, जब तक ये ऊपर नहीं आए तो आप ऐसे देखें कि ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा मेज जो भी है ना, ये पूरा मेज जो है अनविजिटेड है। अनविजिटेड का मतलब होता है इस जगह को विजिट नहीं किया है अभी, ठीक है। अनविजिटेड यानी इस जगह को अभी विजिट नहीं किया है। स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, अब सोच लें कि यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है, यहाँ एक नोड है। ये जितने भी एरोज है ना, यूं समझ लें कि ये जो है नोड्स हैं, ठीक है। ये सारे अनविजिटेड हैं। अब हमने कि स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, अब हम स्टार्टिंग पॉइंट से एक एक करके सारे नोड्स को विजिट करेंगे, एक एक करके सबको विजिट करेंगे, ठीक है, अंटिल हम कहीं पे स्टक हो जाए। यहाँ पे आए सीधा ऊपर, इस वाले नोड को हमने विजिट कर लिया। फिर हम जब आगे और कुछ नहीं मिला तो हम पीछे आने लगे, पीछे आने लगे, यहाँ एक और नोड था, इस नोड को भी विजिट कर लिया। अब आगे कुछ भी नहीं है, दोबारा आगे कहाँ, अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आगे जी। ओके जी, अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इस वाले नोड को विजिट कर लिया, अब इस नोड से आगे जाने की जगह है, बिल्कुल है, उस नोड पे चले गए, उसको भी विजिट कर लिया। फिर आगे जाने की जगह है, बिल्कुल है, इस नोड को भी विजिट कर लिया। ऊपर जाने की जगह है, बिल्कुल है, इस नोड को भी विजिट कर लिया, इसको भी विजिट कर लिया। ओके जी, अब आगे कुछ नहीं है, वापस इस नोड पर आए, कुछ नहीं है, वापस इस नोड पर आए। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जाने की जगह है, बिल्कुल है, इस नोड को विजिट कर लिया। फिर ऊपर आए, इस नोड को विजिट कर लिया। फिर आगे जाने की जगह है, बिल्कुल है, इस नोड को विजिट कर लिया, ठीक है। फिर क्या हो गया, सारे नोड्स को विजिट कर लिया, ठीक है। तो ये आपकी होती है डेप्थ फर्स्ट, कि आप बिल्कुल डेप्थ में जाते हुए सबको विजिट करते रहते हैं, बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं, सही है, कि हर किसी को एक एक करके विजिट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है डेप्थ फर्स्ट। पता नहीं हैंग हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहाँ पे भी एक डेप्थ फर्स्ट की एग्जांपल है, ये जैसे एरोज बने हुए हैं, ठीक है। ग्रीन, अगर ये एक जिफ चल रहा है, जो ग्रीन है वो सारे अनविजिटेड हैं, रेड जो है वो नोड है जिसको हम अभी करंटली विजिट कर रहे हैं, ऑरेंज जो है वो सारे नोड हैं जिनको विजिट कर लिया है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से लिया है इन्होंने, ग्रीन है, वन से स्टार्ट लिया, वन से टू पे गए, टू से जीरो पे गए, जीरो से वापस टू पर आए, टू से थ्री पे गए, थ्री ने दोबारा लूप कर दिया एंड खत्म, ठीक है। इसको एनोटेट कर लेते हैं, हैंग हो रहा है थोड़ा सा मेरा सिस्टम, तो सॉरी देर के लिए।
ये देखें, ये हमारा हो गया रूट, ठीक है, माफ करिएगा मेरे रूट को, तो ये वन जो है रूट हो गया। अब देखें वन पे, यहाँ पे एरोस बने हुए, इंडिकेशंस आ रही हैं कि वन जो है वो सिर्फ टू पे ही जा सकता है, टू के अलावा वो किसी और पे नहीं जा सकता, सिर्फ टू पे जा सकता है। वन ने टू को विजिट कर लिया, ठीक है, फिर जब टू पर आए तो टू जो है वो थ्री को विजिट कर सकता है और जीरो को विजिट कर सकता है। हमने जीरो को कर लिया विजिट, थ्री को नहीं किया, ठीक है। फिर जीरो के पास दो ऑप्शन है, या तो वो वन को विजिट कर सकता है या तो टू को कर सकता है। वन जो है वो ऑलरेडी विजिटेड है, जब वो विजिटेड है तो वो वन पे नहीं जाएगा, तो वो चला गया टू पे। क्यों? विजिटेड तो टू भी है, टू पे वो फिर इसलिए आ गया ताकि वो थ्री पे जा सके, ठीक है। थ्री पर आ गए, थ्री को विजिट कर लिया, आगे कुछ नहीं बचा, बस खत्म हो गए सर्च, ठीक है। तो ये हमारी डेप फर्स्ट हो गई। अच्छा, फिर आते हैं ब्रेथ फर्स्ट, ये रही ब्रेथ फर्स्ट। अच्छा, डेप फर्स्ट क्या करता है कि वो कोई एक नोड को एज अ रूट नोड सेलेक्ट करता है, फिर उस नोड से जितने नोड कनेक्टेड होते हैं वो वन बाय वन उनकी डेप्थ में जाता है कि ये कितना आगे तक जा सकता है, कितना आगे तक जा सकता है। ब्रेथ फर्स्ट जो है वो एक्सप्लोर करता है, वो एक उसने जो है रूट बना लिया, वो उससे इस पे चला गया, इससे इस पे चला गया, इससे इस पे चला गया, इससे इस पे चला गया, तो ऐसे ऐसे करके ये होती है इसकी ब्रेथ फर्स्ट। जी जी आप बिल्कुल जाइए, लेकिन कोई सवाल हुआ तो फिर पूछिएगा नहीं। अच्छा सॉरी, इसमें एक एग्जांपल थी, पता नहीं कहाँ चली गई। एक मिनट रुकिएगा, हैंग हो रहा है बहुत। अच्छा, डेप फर्स्ट का ये भी कहते हैं कि डेप फर्स्ट में जो है वो स्टैक हम यूज करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ब्रेथ फर्स्ट जो होता है, ब्रेथ फर्स्ट में हम क्यू यूज करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अच्छा ब्रेथ फर्स्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, आप ऐसे ही वर्बली सुन लीजिए, मैं एक वीडियो भेज दूंगी उसको देख लीजिएगा, तो अगर ज़्यादा डेप में जाना हो तो उस वीडियो को देख लीजिएगा तो अच्छे से और समझ आ जाएगा। बेसिकली डेप फर्स्ट जो है उसको स्टैक के लिए भी यूज़ करते हैं लास्ट फर्स्ट आउट। डेप में जो क्या होता है, हम बिल्कुल हर नोड की ना बिल्कुल डेप में जाते हैं कि ये नोड है को हमने रूट सेलेक्ट कर लिया, अब इससे कितने कनेक्टेड हैं, वो कितनों से कनेक्टेड हैं, एक 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 करके जो है वो जो अनविजिटेड नोड्स हैं उनको डेप्थ में जाता है। अब ब्रेथ फर्स्ट क्या करता है, ब्रेथ फर्स्ट भी किसी भी नोड को एज अ रूट सेलेक्ट करता है और फिर उससे जितने भी दूसरे नोड्स कनेक्टेड होते हैं उसको जो है वो वन बाय वन करके एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करने के बाद वो तब तक एक्सप्लोर करता रहता है जब तक कोई भी वो ना बच जाए, क्या कहते हैं, तब तक एक्सप्लोर करता रहता है जब तक कोई अनविजिटेड ना बच जाए, ठीक है। तो ये डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट था, सही है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पैनिंग ट्री। ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल माइंड में रखिएगा, स्पैनिंग ट्री में बहुत काम होंगे। अच्छा सर, एक हमने ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट पढ़ा था जिसमें इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर था, वो कौन सा वाला था? वो ट्री ट्रैवल्स का था, ये ग्राफ का है। और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कौन-कौन से आ सकता?
इसके रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक वो ये कह सकते हैं कि एक ग्राफ बना दिया और कह रहे हैं कि इसकी डेप्थ सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च करी की करें और ये सब सर्चिंग करके जो है उन नोड्स का नाम लिखें कि आपने पहले रूट किसको सिलेक्ट किया, फिर आपने फिर किस नोड को विजिट किया, फिर किस नोड को विजिट किया, फिर किस नोड को विजिट किया। इसमें कोई रूल नहीं होता कि लेफ्ट से शुरू करेंगे या राइट से शुरू करेंगे? नहीं नहीं कोई रूल नहीं होता, जैसे भी कर लो, जैसे भी कर लो। ओके ओके ठीक है। अच्छा स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री एक सब ग्राफ है ग्राफ का, ठीक है। स्पैनिंग ट्री ग्राफ का एक सब ग्राफ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इतने सारे ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे ये वाला ग्राफ ले लो। इस ग्राफ का हमने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा था सब ग्राफ होता है। सब ग्राफ क्या होता है? इसके कुछ वर्टिसेस और कुछ एजेस को निकाल लें, सारे सारे वर्टिसेस सारी एजेस को नहीं, कुछ वर्टिसेस और कुछ एजेस को अगर हम लिख लें, जैसे कि डी हो गया, ठीक है, ई हो गया और बी हो गया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लिया और इनको कनेक्ट कर लिया, तो ये इस वाले ग्राफ का सब ग्राफ ये वाला हो गया, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री यही होता है जो एक ग्राफ का सब ग्राफ होता है, ठीक है। तो अब हम नहीं जो भी मैंने मेज वाली दिखाई थी ना वो DFS की थी, BFS की भी एक थी लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है, तो पता नहीं कहाँ चली गई, स्लाइड में ही थी एक, वो मुझे मिली नहीं, और DFS की जो थी वो एक मेज की ही थी बस, उसके अलावा कोई नहीं थी, ठीक है। अच्छा अब पता नहीं क्या हो गया मेरे जूम को, इतना बेकार चल रहा है। अच्छा ये लीजिए, एक हम बनाते हैं ग्राफ पांच वर्टिसेस का, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, सही है। ये मैं ग्राफ बना रही हूँ, स्पैनिंग ग्राफ नहीं है ये। अब जरा मुझे जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए ये कौन सा ग्राफ कहलाता है, ये वाला ग्राफ। अनडायरेक्टेड भी कहते हैं, अनडायरेक्टेड है ना, अनडायरेक्टेड कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम होता है जहां सारे वर्टिस एक एक दफा कनेक्टेड हो। हाँ करेक्ट मुकर्रम, साइक्लिक, साइक्लिक कहते हैं। अनडायरेक्टेड है ये, लेकिन इसका जो नाम है वो साइक्लिक होता है, जहां ये पूरा मिलके एक साइकिल बना रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल बना रहे हैं, कोई भी एक डिसकनेक्टेड नहीं है, सब मिलके एक साइकिल बना रहे हैं, तो ये होता है साइक्लिक ग्राफ, ठीक हो गया। अच्छा अब ग्राफ के लिए हमारी क्या रिप्रेजेंटेशन होती थी? जी इज इक्वल्स टू जी कॉमा ई, ठीक है। स्पैनिंग ट्री के लिए हमारे पास क्या होती है? स्पैनिंग ट्री के लिए होता है जी नॉट इज इक्वल्स टू V naught, comma, E
नॉट, ठीक है, ये होता है. अब वी नॉट क्या है, यहाँ पे तो हमें पता है वर्टिसेस हैं और यहाँ हमें पता है एजेस हैं. वी नॉट यहाँ पे क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल्स टू वर्टिसेस, ठीक है. अगर आपको ये अपने पास लिखना है तो लिख ले, नहीं तो मैंने अपने हैंड राइटिंग में ही ये समझते हुए नोट्स बनाए थे, वो मैं सेंड कर दूंगी, उसमें भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं. सही है. वी नॉट क्या है, जो हमारे वर्टिसेस हैं वही वी नॉट है, ठीक है. यानी कि अगर हमारे जो वी है, वी क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है, तो वी नॉट भी वही चीज है. लेकिन ई नॉट क्या है, ई नॉट जो है वो है ई नॉट इज द सबसेट ऑफ ई. सही है, यानी कि एजेस नॉट इज द सबसेट ऑफ एजेस. अब इसको जो है, इसका एक, इसको कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि ई नॉट लिखा हमने, ठीक है, अगर आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इज इक्वल्स टू वी माइनस 1, ठीक है, लिख लें अगर तो बहुत अच्छी बात है. E नॉट इज इक्वल टू V माइनस 1, यानी वर्टिसेस माइनस 1. तो अगर हम इसको इन वर्टिसेस को पुट करें इस फॉर्मूले में तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4. सही है. तो V नॉट हमारे पास 5 ही आ रहा है और नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 4 आ रही हैं, जबकि अगर आप इस वाली डायग्राम में देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है. अब हमें जो है एक वो बनाना है स्पैनिंग ट्री. हम स्पैनिंग ट्री कैसे बनाते हैं, हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस पता चल गए, हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए 5, नंबर ऑफ एजेस हमारे पास 4 होनी चाहिए, ठीक है. नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 होंगे, नंबर ऑफ एजेस 4 हैं. वट एवर यू डू, डू नॉट मेक 5 edges, ठीक है, do not draw 5 edges, you have to draw only 4 edges, not 3, not 2, not 1, only 4 edges. समझ आई, नहीं आई, illustration बनाते हैं. हमने एक graph बनाया, सही है, 5 edges बनाते हैं, इस पूरे को थोड़ा ऊपर नहीं कर सकते. वो अभी नहीं आया, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है, हम अभी स्पैनिंग ट्री पढ़ रहे हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसके बाद का टॉपिक है. ठीक है, अच्छा अब हम बनाते हैं, दूसरे कलर से रंग लेते हैं ताकि पता चले वो नॉर्मल ग्राफ है, ये स्पैनिंग ट्री है. ठीक है, ऊपर जो ग्राफ बनाया था मैंने वो नॉर्मल ग्राफ था, ये हम जो अभी बना रहे हैं ये स्पैनिंग ट्री है. ठीक हो गया, हमारी 5 एजेस आ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है. अब इसमें कितनी थी, 5 एजेस थी. हमारे पास आ गया है फॉर्मूले में कि हमें 4 बनानी है, ना 4 से ज्यादा हो ना 4 से कम हो, ना ज्यादा हो ना कम हो. एक ऐसे बना ली, एक ऐसे बना ली, एक ऐसे बना ली, एक ऐसे बना ली, ये हमारा बन गया स्पैनिंग ट्री. ठीक है, ये हमारा बन गया स्पैनिंग ट्री. अब अगर मैं ये वाली एज ना मिलाऊं, ये वाली एज बना दूं, ये भी हमारा स्पैनिंग ट्री बन गया. ये वाली एज ना बनाऊं, ये मिला दूं, ये मिला दूं, ये भी हमारा स्पैनिंग ट्री बन गया. और ये ना मिलाऊं, ये हो गई, ये भी स्पैनिंग ट्री बन गया. ठीक है, ये भी ना मिलाएं तो ये, ये, ये और ये भी स्पैनिंग ट्री बन गया. ठीक है, तो जितने भी इस ग्राफ से
फोर एजेस के साथ हमारे पॉसिबल सब ग्राफ्स बन सकते हैं, वो सारे हमारे स्पैनिंग ट्री हैं, ठीक है। यानी कि इस ग्राफ से हमारे जितने भी पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं फोर एजेस के साथ। समझ आ गया? स्पैनिंग ट्री के लिए क्या किया, ये किसी भी साइड से जो है वो स्टार्ट किया और एक साइड ओपन छोड़ दिए। हाँ, मतलब ओपन इस तरह से छोड़ी है कि हमारे पास लिमिट है सिर्फ चार एजेस बनाने की, चार से ज्यादा एजेस हम नहीं बना सकते। ओके ओके, ठीक है। चार से ज्यादा एजेस हम नहीं बना सके तो एक एक साइड हमेशा ओपन रहेगी, ठीक है। तो हम कोई से भी कर सकते हैं वो, कोई सा भी, लेकिन ये है कि ये सारे कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी इसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे नहीं बना। अच्छा, इनकी इनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, पांच नंबर तक ही रहेंगे या फिर मोर देन फाइव नंबर्स भी हो सकते हैं? वर्टिसेस, हाँ, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन बस ओपन एक साइड रहे, एक साइड ओपन रहे। अब देखो जैसे ये वाली एग्जांपल है, मैंने चार वर्टिसेस तो ड्रॉ, चार एजेस ड्रॉ कर दी, लेकिन जो ये वाला हमारा वो है वर्टिस है, ये बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हो गया, यानी इसको साइड पे ही कर दिया। तो ये भी इसका रूल है कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक रूल ये हो गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल ये हो गया कि आपका स्पैनिंग ट्री एक साइक्लिक नहीं बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक साइड हमेशा ओपन रहनी चाहिए, एक साइड हमेशा ओपन रहनी चाहिए और कोई भी और सारे वर्टिसेस कनेक्ट होने चाहिए, सब एक दूसरे से ना हो लेकिन एक कनेक्शन बनना चाहिए, और इतने कनेक्शंस ना बना दे कि वो बिल्कुल साइक्लिक हो जाए, ठीक है। तो ये आपका स्पैनिंग ट्री होता है। समझ आ गई? गुड, हो गया बस। तो ये अब हम पढ़ेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अभी स्पैनिंग ट्री के अंदर कितने टॉपिक्स रखे? बस मिनिमम स्पैनिंग ट्री है और कंडीशंस हैं स्पैनिंग ट्री की, फिर प्रिम्स एल्गोरिथम है, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है, बस। ये कौन सी स्पैनिंग ट्री थी, ये जो अभी हमने किया? ये स्पैनिंग ट्री थी, मतलब ये और जो है मेन स्पैनिंग ट्री का टॉपिक था। अब हम जाएंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री पर। ओके ओके, सही है। अच्छा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री पे होता है जहाँ पे हर एच पे जो है वो कोई वेट दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्यों मिनिमम कहते हैं और इस पे क्यों हम वेट देते हैं, ये भी हम अभी देख लेंगे, सही है। इस वाली एच पे हमने दे दिया 1, इस पे दे दिया 3, इस पे दे दिया 2, इस पे दे दिया 4, इस पे दे दिया 5, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया जिसपे जिसकी एजेस पे जो है वो कुछ कॉस लिखी हुई है, ठीक है। अब हमने जैसे स्पैनिंग ट्री का किया था ना, कि हमने फॉर्मूले में रखा और हमारे पास वर्टिसेस 5 आए, एजेस कितनी आई, 4 आई, ठीक है, क्योंकि हमने इसी ग्राफ का इस्तेमाल किया था, तो इसमें एजेस 4 आ रही थी। इसमें भी अब हमें निकालने हैं स्पैनिंग ट्रीज, सही है, हमें स्पैनिंग ट्रीज बनाने हैं। पता नहीं कॉपी नहीं हो रहा, बहरहाल हमें जो है अब इससे स्पैनिंग ट्रीज बनाने हैं। अब फॉर एग्जांपल एक स्पैनिंग ट्री बना लेते हैं, सही है। फोर एजेस है, फोर से ज्यादा हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमने ये चार एजेस को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इन चार एजेस की वैल्यू क्या थी, इसकी 1 थी, इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी 4 है। अब क्या करना है हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री में? मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बेसिकली हम ये करते हैं, क्योंकि जब कॉस्ट आ जाती है तो ऑब्वियसली कॉस्ट का कोई काम है इसलिए कॉस्ट आई है, हम इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाते हैं, हम इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाते हैं। बनाने के बाद जो है हम एजेस ड्रॉ करते हैं और फिर सब सारे एजेस की
करते हैं, जैसे हमने ये अभी एक पॉसिबल बनाया है, इसमें वन में प्लस वन प्लस फोर फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन, इसकी टोटल मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या हो गई, टेन हो गई। ठीक है, अब हम और बनाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हटा देते हैं, हमने बना ली ये, ठीक है, और इसकी हमने यहाँ पे लिख दी कॉस्ट। ठीक है, अब क्या हो गया, वन प्लस फाइव सिक्स, सिक्स प्लस फाइव इलेवन, इसकी कॉस्ट हो गई इलेवन। हमें इस, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से सारे टोटल टोटल पॉसिबल सबसेट्स निकालने हैं, सारे जितने भी हो सके निकालने, दस हो, पचास हो, साठ हो, जितने भी हो निकालें, और निकालने के बाद उन सब की कॉस्ट निकालें, और उन सब कॉस्ट में जिसकी सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी वो हमारा कहलाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब जब मैंने बोला पचास सब ग्राफ्स बने, साठ बने, जितने भी बने निकालें, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा दो घंटे के पेपर में हम पचास साठ कैसे ग्राफ्स निकालेंगे, आया होगा ऑब्वियसली। पचास साठ ग्राफ निकालना और फिर याद रखना ये बनाया या नहीं बनाया, चलो पचास साठ दूर की बात, दस पंद्रह निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे इतने सारे ग्राफ्स निकालें और निकाल के फिर उसकी पूरी एडिशन भी करें और फिर बताएं कि हाँ भाई ये वाला है। तो इसका एक होता है सबसे आसान तरीका इसको बनाने का, ठीक है। वो आसान तरीका क्या होता है कि आपको एक जो है ये दिया हुआ है वेटेड, ठीक है, वो एजेस ड्रॉ करना स्टार्ट करें जिसका सबसे लोएस्ट कॉस्ट हो, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे लोएस्ट कॉस्ट किसकी है, इसकी वन की है, हमने ये ड्रॉ कर दी और कॉस्ट लिख दी वन। वन के बाद सबसे लोएस्ट कॉस्ट किसकी है, इसकी है टू, हमने इसको ड्रॉ करके बना दी टू। फिर इसके बाद किसकी है, थ्री, हमने इसको बना दी, ड्रॉ कर दी थ्री। फिर सबसे लोएस्ट किसकी है, फोर, हमने इसको ड्रॉ कर दिया और बना दी फोर। टोटल कॉस्ट कितनी निकली, टेन। ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री का आंसर आ गया। कोई ज़रूरत नहीं है चालीस पचास पंद्रह बीस बनाने की, हमारा स्पैनिंग ट्री निकल के आ गया। अब इससे सवाल कैसे आएगा, इससे भी आपको कोई एक बड़ा सा ट्री दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि इससे एक, वो ये भी कह सकते हैं कि एक स्पैनिंग ट्री निकालें, फिर वो ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालें। तो स्पैनिंग ट्री जो है वो आप कोई डिफरेंट ग्राफ बना के दिखा दिएगा, यानी कोई भी सब ग्राफ, और स्पैनिंग ट्री आप इस तरह से बना दिएगा कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट से स्टार्ट करिएगा, ड्रॉ करते रहें करते रहें करते रहें, जितनी एजेस हैं हमारे पास चार एजेस थी, चार एजेस में सबसे लो कॉस्ट वाले ड्रॉ कर दिए और उसकी वो एडिशन कर दी, टेन हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मिनिमम हो गया। अच्छा, ये प्रिम्स एल्गोरिथम नहीं है? नहीं, ये मिनिमम है उसमें, मतलब उनके ना रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, प्रिम्स और कोरास्कल एडिशन करते हैं ना, करते हैं बिल्कुल करते हैं उस पे उसको ले। हाँ बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन वो कुछ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स के अंडर करते हैं। ठीक है, इसमें हमने सिंपल ये निकाला, उसमें भी हम एडिशन करेंगे, लेकिन कुछ रूल्स को देखते हुए हम करते हैं। ठीक है, सही है, सही हो गया। अच्छा, कंडीशंस हमारी स्पैनिंग ट्री की आ गई। स्पैनिंग ट्री जो है वो कैन नॉट बी असाइक्लिक, एक साइक्लिक नहीं हो सकता, डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, रिमूविंग। हाँ, अगर हम अपने स्पैनिंग ट्री से, जैसे ये वाला जो है, ये जो कॉस्ट वाला आया है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, अगर हम इससे कोई एक एच को रिमूव कर दें, फॉर एग्जाम्पल इस एच को रिमूव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डिस्कनेक्टेड बन जाएगा जो कि स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा। ठीक हो गया। और अगर हमारा यही स्पैनिंग ट्री है और अगर इसके अंदर हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। अच्छा, कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री। अच्छा, अगर आपको पॉसिबल फाइंड करने होना कि हम एक ग्राफ से
कितने टोटल स्पैनिंग ट्रीज निकाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला है इसका n की पावर n माइनस 2, ठीक है, ये जो भी होंगे इस नंबर ऑफ st, ठीक है, st यानी स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो n क्या है हमारे पास, n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस, हमारे पास इस केस में कितने वर्टिसेस हैं, 5 हैं, तो 5 की पावर 5 माइनस 1, इसका आंसर जो भी आएगा तो वो जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज निकल सकते हैं एक उससे, ठीक हो गया। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, अच्छा अगर आपका कोई कंप्लीट ग्राफ होता है ना, बिल्कुल कंप्लीट ग्राफ, तो उसका एक फॉर्मूला आता है कि अगर हम उससे इतनी एजेस हटा दें तो वो क्या हो जाता है, आपका स्पैनिंग ट्री बन जाता है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल तो ये 3 इसके वर्टिसेस हैं, ठीक है, इसमें फॉर्मूला आता है e माइनस n प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, जहाँ पे e जो है वो हमारे नंबर ऑफ एजेस है, माइनस n जो है वो हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, प्लस 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस हमारी कितनी है, 1, 2, 3, 3 माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 3, 3 माइनस 3 ये तो 0 ही हो गया, और फिर प्लस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो अगर हम इतनी एजेस को रिमूव कर दें एक कंप्लीट ग्राफ से तो हमारे स्पैनिंग ट्रीज बन जाते हैं, सही है, आंसर क्या आया, 1। तो यानी कि अगर हम 1 रिमूव कर दें एज तो हमारे स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, ठीक है। 1 आ गई, 2 आ गई, ये हमारा स्पैनिंग ट्री बन गया, 1 आ गई, 2 आ गई, ये हमारा स्पैनिंग ट्री बन गया, फिर 1 आ गई, 2 आ गई, ये हमारा स्पैनिंग ट्री बन गया, ठीक है। ओके जी, दोबारा रिपीट कर देते हैं। अच्छा देखो, अगर हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, कंप्लीट है, इसके एक साइक्लिक बन रहा है, ठीक है, एक साइक्लिक बन रहा है, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि ये इन दोनों से कनेक्टेड है, ये इन दोनों से, हाँ सॉरी, ये कंप्लीट ग्राफ है, सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड हैं, ठीक है। हमने जो अभी तक ग्राफ पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, साइक्लिक ग्राफ पढ़ा, जिसमें एटलीस्ट एक कनेक्शन बन रहा होता है, इसमें जो है वो सारे वर्टिसेस से कनेक्टेड हैं, तो हम कितनी एजेस को अगर रिमूव कर दें तो हमारे स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, e माइनस n प्लस 1, e नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस 1, एजेस हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, उससे हमने माइनस किया, वर्टिसेस कितने, 1, 2, 3, तो 3 माइनस 3 0, फिर उसमें प्लस कर दिया 1, 1, तो यानी अगर हम एक एज को रिमूव कर दें तो हमारे स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल थी, एक ही वाली एग्जाम्पल ले लें, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये इससे भी कनेक्टेड 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 है, उससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी है, इससे भी, ठीक है। इसमें हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस हो गए, इसमें हमारे हो गए वर्टिसेस 4, माइनस एजेस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हैं, ठीक, प्लस 1, 6 माइनस 4, 2, 2 प्लस 1, 3, आंसर क्या आया, 3,
अगर हम इससे थ्री एजेस को रिमूव कर दें तो हमारा एक स्पेनिंग ट्री बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1, 2, 3 ये तो गलत हो गया। एक नहीं, हमारे पास जितने वर्टिसेस होते हैं उससे सिर्फ एक माइनस करना होता है फिर स्पेनिंग ट्री बनता है ना, क्योंकि उससे फिर साइक्लिक नहीं बनेगी, स्पेनिंग ट्री बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये एक और फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा था, इसमें यही वाला होता है कि इतनी नंबर ऑफ एजेस अगर रिमूव कर दी जाएं तो हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से तो यहां पर कांसेप्ट गलत हो जा रहा है। लेकिन इस फॉर्मूले से भी बनेगा, लेकिन एक और चीज ऐड करनी होगी, इसमें डबल कनेक्शन हो ना, तो फिर उससे रिमूव कर दिया जाए। हाँ, ये स्पैनिंग ट्री की एप्लीकेशन है ना बेसिकली। हाँ, स्पैनिंग ट्री में फॉर्मूला ले दिया तो बन तो गई स्पैनिंग ट्री है। बिल्कुल, लेकिन वो तो एक उससे गलत हो रहा था। सिंपल अगर वर्टिसेस से भी एक कम माइनस करते तो उससे तो बन जाएगा। से जो तीन आपस में क्रॉस कनेक्शन जाएंगी ना किसी से भी, एक तो आउटगोइंग इनकमिंग है दोनों में, हर में ही है जो, जिससे ये स्क्वायर बन रहा है। लेकिन जो क्रॉस से जा रही है ना ये थर्ड कनेक्शन है, पहले इनसे थर्ड कनेक्शन रिमूव करना होगा। अगर फोर्थ कनेक्शन होंगे तो पहले फोर्थ कनेक्शन डायगोनल्स रिमूव करना होंगे। हाँ सही, करेक्ट, थैंक यू सो मच। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं स्पेलिंग ट्री की, ठीक है, कंडीशंस। अच्छा, अब आते हैं दो एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स को ये कहते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ठीक है, इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। अगर ये मीटिंग एंड हो तो इसी मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर लिएगा। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स होते हैं कि टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स इन अ ग्राफ, यानी कि दो वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक हो गया, ये दो एल्गोरिथम्स होते हैं, एक है प्रिम्स एल्गोरिथम, एक है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। हम पढ़ेंगे पहले प्रिम्स, फिर पढ़ेंगे क्रुस्कल्स, ठीक है। तो ये दोनों इस्तेमाल मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम उसमें अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कर रहे थे तो उसमें आया था कि पहले हम सारे पॉसिबल सबसेट्स निकालें, फिर उसमें जिसका सबसे लोएस्ट कॉस्ट हो वो वाला हमारा बनता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और फिर हमने एक ट्रिक पढ़ी थी कि जो है जिसके मिनिमम एजेस हैं उन वाले को हम सही है सबसे लोएस्ट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एजेस ड्रॉ करते जाएं और हमारा वो सबसे शॉर्टेस्ट निकलता है। तो अब दो एल्गोरिथम्स आ गए, प्रिम्स और क्रुस्कल्स, टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST। अब हमारे पास एक मैं बनाती हूँ ग्राफ, ठीक है। सही है, बड़ा ग्राफ होगा, बड़ी एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ आता है। मीटिंग एंड करके दोबारा कर लेते हैं ना, वो एंड ही हो रही है, आप कर लें दोबारा से ज्वाइन। ठीक है, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रही थी, वो रिमूव हो जाता जब मीटिंग एंड होती।